आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट क्रॉसेस विद अ हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट, फाइंड आउट द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो प्लांट्स है, एक मेल और एक फीमेल, और मेल का प्लॉइडी है टेट्राप्लॉइड, मतलब फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इसमें। तो इसका 4n है, ये है मेल, ठीक है, और फीमेल हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड मतलब 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका गैमेट्स जो है, इनमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे या कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो होता है हाफ, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस इन प्लांट्स, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसका प्लॉइडी है 2n डिप्लॉइड, और फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसका प्लॉइडी होता है 3n ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अब हमें चाहिए एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होता है, अगर इन दोनों प्लांट्स में क्रॉस हुआ तो एम्ब्रियो का प्लॉइडी कितना होता है। तो ये एक एम्ब्रियो सैक है जिसमें एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल सेल है, पोलार न्यूक्लियाई है, एग, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये है फीमेल का जो एम्ब्रियो सैक, और इनमें सारे सेल्स जो है वो होते हैं ट्रिप्लॉइड, है ना, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं मेगास्पोर्स से। पोलार न्यूक्लियर दो है तो 3n प्लस 3n है, तो सेंट्रल सेल का प्लॉइडी 3n नहीं 6n होता है, क्योंकि सेंट्रल सेल में दो पोलार न्यूक्लियर है। उसके बाद एग, ये भी 3n, सिनर्जिड 3n। तो पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट आके एग के साथ फ्यूज करेगा और मेल गैमेट का प्लॉइडी 2n है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसका प्लॉइडी है 2n प्लस 3n, वो है 5n, विच इज नथिंग बट पेंटाप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन को कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक और मेल गैमेट आके पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, और पोलार न्यूक्लियाई का प्लॉइडी है 3n 3n। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो बन रहा है 3n प्लस 3n प्लस 2n, दैट इज 7n, सॉरी 8n, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल है, यही सेल आगे जाके एंडोस्पर्म बनेगा, और ये एंडोस्पर्म का प्लॉइडी है 8n, मतलब ऑक्टाप्लॉइड। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है पेंटाप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो जो है वो पेंटाप्लॉइड है, जो सही है, और एंडोस्पर्म जो है वो ऑक्टाप्लॉइड है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो हेप्टाप्लॉइड, मतलब 7n होता है, 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये गलत है, ठीक है। और ऑप्शन सी डिप्लॉइड, यहाँ पर एम्ब्रियो डिप्लॉइड नहीं है पर पेंटाप्लॉइड है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी हैप्लॉइड, ये भी गलत है, ये हैप्लॉइड नहीं है पर पेंटाप्लॉइड है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस भी गलत है, ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।